हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPSC बिहार लोक सेवा आयोग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म प्रोसेस के बारे में। तो ये जो रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई है BPSC में, स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023, इसका आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा आपको इस वीडियो में। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगी आपका 12 जुलाई 2023, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इसका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट का जो लिंक होता है या इसका ऑनलाइन अप्लाई जो पोर्टल होता है, इसका भी आपका लिंक मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपको करना क्या है, अप्लाई करने के लिए आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, ये रिक्रूटमेंट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसके साइड में आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। सिंपली आपको यहां पे अप्लाई ऑनलाइन वाला जो लिंक होता है, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज होता है खुल के आ जाएगा। इस प्रकार आपको इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक जो जानकारी होता है फिल किया है। आपको यहाँ पे आपका जो नाम होता है वो यहाँ पे फिल करना है मेट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। मिडिल नाम है तो मिडिल नाम फिल करेंगे, नहीं तो आपका जो भी लास्ट नाम होगा वो लास्ट नाम आपको फिलअप कर देना है। पिताजी का जो भी नाम होगा पिताजी का नाम फिलअप करना है। हस्बैंड नेम, अगर आप यहाँ पर लड़की हैं और आपने यहाँ पर शादी कर चुके हैं तो आपको हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिलअप कर लेना है। आपका जो भी माताजी का नाम होता है माताजी का नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। यहाँ पे आपको आईडी टाइप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपया एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे करने होंगे फीस के साथ। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड में आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपको पे नहीं करना होगा। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसका जो PDF होता है PDF में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपलोड टू आइडेंटिटी PDF आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है आपका आधार कार्ड। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस क्लिक करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिहार के निवासी अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं रहेंगे इस फॉर्म के लिए, पात्र नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, बिहार का निवासी यहाँ पे होना चाहिए, इसमें आपको यस क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रेसिडेंट जो सर्टिफिकेट होता है, ये निवास प्रमाण पत्र होता है, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। सर्टिफिकेट का जो डेट होता है वो आपको इस वाले बॉक्स में क्या करना होगा, यहाँ पे चूज करना होगा। सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है जो कि 100 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप यहाँ पे EWS ST SC BC इन कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस वाले बॉक्स में यस क्लिक करना होगा और जो भी इनमें से जो भी कैटेगरी होंगे वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट जो नाम होता है, जो भी आपका कास्ट का नाम होगा, कास्ट का नाम आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। कास्ट का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे टिक इस वाले में आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कास्ट, जो भी आपका कास्ट होगा वो कास्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे देना है, डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पे दे देना है, सर्टिफिकेट PDF में यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप यहाँ पे जनरल हैं तो आपको क्या करना होगा, इस वाले रिजर्वेशन में आपको नो में क्लिक कर देना है। इसके बाद आप ऊपर के स्क्रॉल करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है अनमैरिड है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है मेल है या फीमेल है। ऐसे ही यहाँ पर आपको पूछा गया है आर यू अ ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, तो आप यहाँ पर येस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है डिसेबिलिटी, अगर 40% या उससे ज़्यादा अगर आप यहाँ पे विकलांग हैं या डिसेबिलिटी हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, और डिसेबिलिटी या नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर के स्क्रॉल करेंगे, एक्स सर्विस मैन है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। पंचायती राज संस्था नगर निकाय में अगर आप यहाँ पे कार्यरत शिक्षक हैं तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो शैक्षणिक जो योग्यता है, आपका यहाँ पे BEd है, MEd है, BA MEd है या आपका यहाँ पे BA CBEd है, आपका जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होता है, द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा है, तो आप सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होता है इसमें आप टिक कर सकते हैं।
ऐसे ही आपका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होता है, केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण योग्यता धारक नहीं है, तो आप यहाँ पे सेकंड या थर्ड वाला जो ऑप्शन होता है इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा। अगर आप यहाँ पे पात्रता परीक्षा का जो एग्जामिनेशन होता है वो आपने यहाँ पे दिया है, या दक्षता परीक्षा जो वर्ष यहाँ पे 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, ये जो एग्जामिनेशन होता है ये आपने दिया है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है दक्षता परीक्षा आपने दिया है या पात्रता परीक्षा आपने दिया है, तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पात्रता यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सी टेट पेपर या यहाँ पे बी टेट पेपर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या बिहार स्टेट यहाँ पे पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बिहार एस सी टेट इस प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से जो भी आपका पात्रता होगा या दक्षता होगा यहाँ पे, तो दक्षता आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और आपका जो भी यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे दक्षता में आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 1 से लेकर 5 या 9 से लेकर 10 या 11 से लेकर 12 तक ये दक्षता, अगर आपने यहाँ पे परीक्षा संबंधित विवरण यहाँ पे आपको देना होगा, उसका जानकारी आपको प्रोवाइड करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, डेट ऑफ इशू देंगे, वो जो सर्टिफिकेट का जो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है जो कि 100 KB से कम होगा, यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पे दक्षता या पात्रता परीक्षा का जो रहता है सर्टिफिकेट वो है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सी टेट या बी टेट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगेन यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, और जो भी यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 में अगर आपने यहाँ पे दिया था या आपने इसमें उत्तीर्ण है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार, और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा, डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पे देना होगा, और सर्टिफिकेट का यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करना होगा। इसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से आपको सेलेक्ट करना है, या आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप कर लेना है कुछ इस टाइप से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, डेट मंथ ईयर। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो एड्रेस होता है वो आप इस वाले बॉक्स में फुल फिल आपको फिलअप कर लेना है। आपका जो भी स्टेट होगा, स्टेट आपको यहाँ पे चूज करना है, ऐसे ही आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी एरिया का जो पिन कोड होता है, पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो भी परमानेंट जो एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे फुल फिल आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मल्टीपल यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स में आपको टाइप कर देना है, ये सेलेक्ट कर देना है। एरिया का जो पिन कोड होता है आपको इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है, जो कि आपका परमानेंट यहाँ पे जो रेसिडेंट होता है वो आपका यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आपको इस वाले बॉक्स में यस क्लिक करना जरूरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी फिलअप करना है, आपको कंफर्म कर लेना है मेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, गेट ओटीपी क्लिक कर लेना है, ओटीपी को वेरीफाई करना है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड होता है इसमें फिलअप करके सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर क्यों स्क्रॉल कर लेना है। ऊपर क्यों स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा गया है सामान्य विषयों के कक्षा 9वीं-10वीं तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पे आपको जो योग्यता है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका योग्यता होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी यहाँ पे योग्यता है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चूज करना होगा। जैसे यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे 12th आपने यहाँ पे पास आउट हैं, साथ में आपका यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा है, यह आपका यहाँ पे 45% है। उच्चतर माध्यमिक में आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन पास आउट है, साथ में आपका 2 वर्ष का यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में यहाँ पे डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑप्शन होता है इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपका 50% मार्क है उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, 4 वर्ष का यहाँ पे आपका डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, अगर आपने यहाँ पे स्नातक पास आउट है, जैसे यहाँ पे आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं 50% मार्क के साथ, साथ में आपके पास बीएड है, तो आप यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन होता है इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी योग्यता है, आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो क्वालिफिकेशन होता है, जैसे यहाँ पे 50% यहाँ पे अंक आपने प्राप्त किया है स्नातक, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, साथ में आपके पास यहाँ पे बीएड है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका जानकारी आपको फिलअप करना है। ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट उसका जो क्वालिफिकेशन होता है, सबसे पहले स्ट्रीम या सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर दे देना है, इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है, जो भी बोर्ड होगा, यूनिवर्सिटी होगा, CGPA परसेंट था आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे कि आपका परसेंट है तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑप्टेन जो आपका होगा उस वाले नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, टोटल फुल मार्क आपके कितने के थे वो आपको यहाँ पे दे देना है, जो भी परसेंट होगा आपको इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। ऐसे यहाँ पे आपका जो बीएड होता है, बीएड का यहाँ पे जानकारी फिलअप करना है, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट यहाँ पे देंगे, पासिंग ईयर देंगे, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम आपको फिलअप कर देना है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, टोटल नंबर आपने कितना गेन किए हैं और कितने नंबर के थे वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, परसेंटेज जो भी होगा परसेंटेज आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, इस वाले बॉक्स में डिक्लेयर कर देना है, मैं सहमत हूँ, उसमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे 1 आपको टाइप कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 टाइप कर देना है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पे टाइप करने को नहीं बोला गया है, तो सिंपली यहाँ पे 1 आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देने जैसे ही है आपको यहाँ पे प्रायोरिटी, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या प्रायोरिटी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो आपको कम से कम यहाँ पे 3 प्रायोरिटी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे प्रायोरिटी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है यहाँ पे देना होगा, डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पे दे देना होगा, उसका जो सर्टिफिकेट होता है आपको PDF में यहाँ पे क्या करना है, अपलोड कर लेना है। आपका बॉडी में किसी प्रकार का कट या मार्क का निशान है या बॉडी में किसी प्रकार का तिल है तो आपको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, नो मार्क के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पे देना नहीं चाहते हैं या आप यहाँ पे आपका बॉडी में किसी प्रकार का कट या मार्क का निशान नहीं है तो आप यहाँ पे नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो आपका यहाँ पे अपलोड करना है, आपको यहाँ पे फोटो कैप्चर करना है आपका फ्रंट कैमरा से, हिंदी में आपको यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है, इंग्लिश में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। डायमेंशन यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर होता है यहाँ पे कितना KB में होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15 KB से ज़्यादा आपका यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, पर यहाँ पे 15 KB से आपका कम नहीं होना चाहिए। घोषणा पत्र में आपको सिंपली यहाँ पे डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे यहां पे फाइनली सबमिट करेंगे, इसके बाद अपना जो फॉर्म होता है यहां पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आपका जो पेमेंट का जो गेटवे होता है वो खुल के आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इसके बाद आपका पेमेंट सेक्शन यहाँ पे आपको आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसका लॉगिन पेज में जाना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्लिक हियर टू पेमेंट, सिंपली आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू पेमेंट में, तो आपको यहाँ पे जो पेमेंट का जो अमाउंट होता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे फिलअप करना होगा, कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, एक्सपायरी डेट, CVV कोड, मंथ आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट आपको कर लेना है, मंथ ईयर, इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे अपना पेमेंट यहाँ पे कन्फर्म कर लेते हैं, इसके बाद अपना जो फाइनल प्रिंट आउट होता है वो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे भविष्य यूज, भविष्य रेफरेंस के लिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है BPSC का, स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2023 का ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। हमारा ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। किसी प्रकार का क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।